लगातार जेडीयू के सांसद भी अब जो है नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, हमारे साथ मंत्री हैं, जेडीयू के भी जो सांसद हैं वो भी अब नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। आपको लगता नहीं है कि आप ही के पार्टी के सांसद अब नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करेंगे? देखिए, जब चुनाव नजदीक आता है कई नेताओं का मन डोलने लगता है। भाजपा के भी कई नेता हम लोगों के भी संपर्क में है, कई नेताओं का मन उधर से भी डोला है, तो समय आने पे कुछ लोगों का मन डुल जाता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये राजनीतिक परिस्थिति होती है। लगता है कि उनका जो है दिल अब जनता दल यू से भर गया है, और अगर जनता दल यू का अगर इससे मन उनका भर गया है तो नैतिक जिम्मेदारी है उनकी कि उन्हें इस्तीफा देकर जिस जिन्हें वो नेता मान रहे हैं, जिनकी बड़ाई वो कर रहे हैं, पूरा देश और युवा जिसके जिसका नाम लेने से भी डर रहा है उसी की वो बड़ाई करने में लगे हुए हैं, अगर बड़ाई करने में लगे हुए हैं तो इस्तीफा दे के जल्द से जल्द उन्हें वो पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। 15 के चुनाव में भी वो चुनाव हार गए थे, उसके बाद नीतीश कुमार जी उनको संसद का टिकट दिए, लोकसभा में भेजने का काम किए, और आज वो नीतीश जी के बजाय वो नरेंद्र मोदी की तारीफ करें सुनील कुमार पिंटू जो सांसद। देखिए, 15 वाला हाल उनका जो है ना 25 में 24 में भी होगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है, जो है वोटर सब कुछ देखता है, आप किसके नाम पे चुनाव लड़े हैं और किसकी भाषा बोल रहे हैं, तो ये समय के अनुसार जो है पब्लिक उनको वोटर जो है उनके क्षेत्र का वोटर उनको जवाब देने का काम करेगा, और आप मान के चलिए कि वो किसी भी स्थिति में 2024 का चुनाव नहीं जीत। लगातार बीजेपी के लोग दावा कर रहे हैं कि जेडीयू के कई सांसद हैं जो हमारे संपर्क में हैं। ऐसे तो भाजपा के भी कई सांसद हम लोगों के संपर्क में है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कई आपने पहले भी देखा है, कई भाजपा के लोगों ने हमारी पार्टी को ज्वाइन किया है, और हमारे यहाँ से भी कई एक लोग उनके यहाँ भी गए हैं, ये तो चलते रहता है राजनीति में, ये सब तो चलते रहता है, ये कोई बहुत बड़ी बात। सम्राट चौधरी जो आप ही के समाज से हैं वो लगातार नीतीश जी पर हमलावर रहते हैं, आपको नहीं लगता कि सम्राट चौधरी जो हैं वो लगातार हमला कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश? अरे, सम्राट जी का एक समय ऐसा भी था वो जब नीतीश कुमार का बड़ाई करते हुए नहीं थकते थे, कुछ समय पहले तक सम्राट जी बड़ाई करते हुए नहीं थकते थे, अभी जिस दल में है उन्हीं की भाषा बोलेंगे, जिनकी नौकरी कर रहे हैं उन्हीं का भाषा बोलना पड़ेगा ना, अगर वो भाषा अगर नीतीश कुमार जी का बड़ाई करना शुरू कर देंगे तो भाजपा वाला कभी रखेगा उनको एक को मिनट जो है, तो ये तो एकदम सामान्य सी बात है, इसमें कोई घबराने और वाली कोई बात नहीं है। बिहार सरकार के मंत्री हैं जयंत राज, साफ तौर पे कर रहे हैं कि बीजेपी में बड़ी टूट होने वाली है, बीजेपी के कई सांसद हम सभी के संपर्क में हैं, और सम्राट चौधरी पे भी उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी जिस भाषा की का इस्तेमाल करते हैं वो सही नहीं है, नीतीश कुमार की लगातार तारीफ करते थे लेकिन आजकल वो बीजेपी की नौकरी कर रहे हैं इसलिए लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं। कैमरा श्याम के साथ अनिश कुमार, कशिश पटना।